इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स, क्या दोस्तों iQube के मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन को आप कैसे सेट कर सकते हैं, या आप कैसे चेंज कर सकते हैं, या उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा अपने दोस्तों iQube मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में, और सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डायनेमिक इफेक्ट का, तो आपको डायनेमिक इफेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको इसमें सबसे नीचे आना है, तो यहाँ स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करिए। और यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको ये सेट कर लेना है कि जब आपका स्क्रीन ऑन या ऑफ हो तो आपका तो किस तरीके का एनिमेशन से वो ऑन या ऑफ हो। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए, जब आप स्क्रीन को बंद करेंगे तो इस तरीके के एनिमेशन में बंद होगा, और फिर इस तरीके के एनिमेशन में ऑन होगा। अगर आप इसको सेलेक्ट रखेंगे तो इस तरीके के एनिमेशन में, इसको सेलेक्ट रखेंगे तो इस तरीके से। तो आप जो भी चाहे वो आप रख सकते हैं, मैं इसको रखता हूँ। तो आपको जो रखना है उसका आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, तो वही एनिमेशन आपके स्क्रीन ऑन और ऑफ एनिमेशन में सेट हो जाएगा। और स्क्रीन ऑन और ऑफ करने पर आपको वही एनिमेशन शो करेगा, यानी कि आपके फ़ोन में वही एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन को सेट या चेंज या यूज कर सकते हैं अपने iQube के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।